एंजल लेडीज क्लब की आयोजक सविता असावा की ओर से सिंगिंग क्वीन ऑफ विदर्भ मिस एंड मिसेस डेजलिंग ऑफ विदर्भ सीजन 2 का रंगारंग आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रमुख उपस्थिति समाज सेविका ज्वाला धोटे उपस्थित रही। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं की भी उपस्थिति इस कार्यक्रम में देखने को मिली। 19 मार्च को एंजल लेडीज क्लब द्वारा वुमेन्स डे सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया, जहां फैशन शो, डांस कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन जैसे रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। डांस और सिंगिंग कंपटीशन में विनर्स के लिए प्राइज भी रखे गए। इस डांस कंपटीशन में करीबन 100 प्रतिभागियों तो वहीं सिंगिंग कॉम्पिटिशन में 30 प्रतियोगियों की एंट्रीज रही। फैशन शो में भी 20 महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की प्रमुख अतिथि के रूप में ज्वाला ताई धोटे, प्रीति ताई मान मोड़े उपस्थित रही, जिनके हाथों कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया गया, जिसमें ब्रांड एम्बेसडर प्रीति साहू और वैशाली ठाकुर दोनों उपस्थित रही। वहीं शहर की कई महिलाएं भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रही। कार्यक्रम में मुख्य तौर पर जजमेंट का कार्य गेस्ट अचरना राठौड़, सुषमा गायकवाड़, नेहा भारद्वाज, वर्षा भारते, कांचन गोहने, डॉली चौधरी, मंगला लोखंडे, डॉक्टर वर्तिका पाटिल, एल्सिना करायल, सोनाली हिवरकर, नेहा जैन ने किया। वहीं इस कार्यक्रम में श्रद्धा महिला अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक की तरफ से साड़ियों का लकी ड्रॉ भी रखा गया था, जबकि पंचरत्न रायपुर की तरफ से आने वाली मेहमानों को गिफ्ट से नवाजा गया। जागतिक महिला दिनाच औचित्य सान हा दृष्ट लागण्यासारखा सोहळा इथे आयोजित करण्यात आलेला आहे। एंजल लेडीज क्लब तर्फे हा अतिशय सुंदर मोहक असा कार्यक्रम इथे आयोजित करण्यात आला आहे। या दृष्ट लागण्यासारख्या सोहळ्यात उपस्थित राहण्याचं, कार्यक्रमाचं अध्यक्षस्थान भूषवण्याचा मला मान मिळाला। आयोजक मंडळींची, प्रामुख्याने सविताताईंची मी आभारी आहे। आज संपूर्ण विश्वाचे लक्ष आपल्या देशाकडे लागले आहे, कारण आपल्या देशाला एक आदर्श आहे, एक संस्कृती आहे आणि एक मर्यादा आहे, आणि अशा आदर्श देशाच्या माझ्या सगळ्या माता भगिनी या नागरिक आहेत। स्त्री ही क्षणाची पत्नी आणि अनंत कालाची माता आहे, जिचे हाथी पाळण्याची दोरी ती जगाची उद्धारणी। हँड्स दॅट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड, शक्ती आणि सहनशक्तीचं जिवंत उदाहरण म्हणजे स्त्री। जेव्हा कुटुंबावर आच येते तेव्हा चंडिका रणचंडिका बनून ती मैदानात येते। जेव्हा बाळाच्या संगोपनाचा विषय असतो तेव्हा यशोदा देवकी म्हणून ती बाळ कृष्णाला जन्म देते, त्याला संस्कार देते। स्त्रीबद्दल कितीही वर्णन केलं तरी कमी आहे, शब्द अपुरे पडतील। परंतु हा इतका सुंदर कार्यक्रम आयोजित करणं, एका महिलेने आयोजित करणं, त्यांच्या सगळ्या प्रयत्नांसाठी मी त्यांना अनेक शुभेच्छा देते। दृष्ट लागण्यासारखा हा सोहळा आहे, समाजाला एक नवीन सूचना देण्यासाठी, समाजाला एक नवीन प्रेरणा देण्यासाठी हा कार्यक्रम त्यांनी आयोजित केले आहे। उपस्थित सगळ्या माता बहिणींना जागतिक महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देते। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो जमाने को साथ लेके चलो। जय हिंद।